गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल संजू बाबा एक्सप्रेस। दोस्तों, मैं आज आपको एनपीएस और प्राण किट के बारे में बताने वाला हूँ। आप जो ये लिफाफा देख रहे हो, ये दोस्तों मेरा प्राण किट है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होता है। जितने भी न्यू एम्प्लॉय हैं उनको भी ये फॉर्म सबसे पहले अप्लाई करना होगा। दोस्तों बताना चाहता हूँ, एनपीएस के लिए आपके पास सबसे पहले बैंक आधार, पैन कार्ड, साथ में आपको एम्प्लॉय आईडी और एचआरएमएस आईडी होना चाहिए। इसके लिए आपको मित्र या अपने मोबाइल से भी एनएसडीएल की साइट से जाके अप्लाई कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप अप्लाई करोगे, आपका डीआरएम ऑफिस से वेरीफाई होगा और ये आपको क्लर्क के द्वारा आपको इसकी 13 पेज की पीडीएफ मिलेगी, जिसको 3-3 सेट के द्वारा आपको बनाना है। और इसको 3-3 सेट में आपके साथ इसको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डायरी अटैच करके अपने पीडब्ल्यूआई ऑफिस में इसको जमा करवाना है। दोस्तों जैसे ही आप जमा करवा दोगे, इसके लगभग 1 महीने के बाद में आपके पास ईमेल आईडी या मोबाइल पे मैसेज आता है, डीआरएम ऑफिस से वेरीफाई हो जाता है। जैसे वेरीफाई होता है, ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाता है। तो इसके बाद में दोस्तों ये जो आप लिफाफा देख रहे हो, इस तरह से ये तैयार होके आता है। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा एनपीएस का ही है। जैसे मैंने अब पहले 1 महीने पहले अप्लाई किया था, और दोस्तों मैं आज आपको इसके बारे में बता रहा था कि सोचा कि सबको दिखा देते हैं, बता देते हैं कैसा क्या होता है। इस लिफाफे में ही सब कुछ होता है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेज होता है, इसमें आप देख सकते हो नेशनल पेंशन सिस्टम और ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के द्वारा इसका रिकॉर्ड होता है, एड्रेस होता है, प्राण कार्ड क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसका पूरा लिखा हुआ रहता है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इसका बेसिक डिटेल, एक तरह से दोस्तों ये पूरा बैंक की तरह ही होता है। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक ये चिप लग के ये आया हुआ है नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें आपको मैं आप इसमें दिखाना चाह रहा हूँ क्या होता है, कैसे होता है। ये देख सकते हो दोस्तों मेरा प्राण किट, और प्राण किट का फुल फॉर्म नाम है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों आप अगर रेलवे में जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक आपका यही एक डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसके द्वारा आपका सब कुछ इसी में आपका फिट रहता है डाटा, और इसी के द्वारा आपको लास्ट में पेंशन जी जो भी सरकार की जो भी स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका बेनिफिट मिलता है। आप देख सकते हो दोस्तों, तो इसके साथ ही दोस्तों ये एक किट की तरह ही आता है। आपको डीआरएम ऑफिस में इसको लेना होता है, जैसे ये तैयार हो जाता है। और दोस्तों इसी में ये क्रॉसफिट आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि आपको इसको कैसे यूज करना है। ये देख सकते हो, आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों, इसका पूरा दिया हुआ रहता है डाटा, कैसे क्या यूज करना है, क्या बेनिफिट है इसका एनपीएस का, कैसे क्या होता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप खुद भी जैसे इसे एनपीएस को अप्लाई करें, ताकि आपका भी जल्द से जल्द आप बन जाए, और इससे आपको दोस्तों सैलरी लेने में और साथ ही और अदर बेनिफिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देख सकते हो दोस्तों, पूरा इसमें दिया हुआ है कैसे यूज करते हैं, क्या है इसका सिस्टम। और आपको दोस्तों न्यू वीडियो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा रेलवे के द्वारा, हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी अच्छी लगे शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपका संजू, गुड इवनिंग दोस्तों।